प्रदेश के एकमात्र राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज को बंद करने की कसरत से खफा शिक्षकों का डेलीगेशन विधायक से मिला है। इस दौरान श्री कृष्ण आयुर्वेदिक महाविद्यालय कुरुक्षेत्र के शिक्षकों ने कहा कि आयुर्वेद महाविद्यालय को आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में बदलने का सिलसिला अपग्रेड की जगह डाउनग्रेड कवायद साबित हुआ है। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने हल निकालने की बात कही है। शिक्षकों का आरोप है कि 3 वर्षों में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के नाम पर सिर्फ 4 दीवारी ही बन पाई है। वहीं रिसर्च के लिए मूलभूत जरूरत इंटरनेट तक की सुविधा भी नहीं है, जिससे खफा शिक्षकों का डेलीगेशन स्थानीय विधायक सुभाष सुधा से मिला है। इस दौरान शिक्षकों ने अपना दुखड़ा उनके सामने रखा। जो गवर्नमेंट स्टेटस की संबुदयाल शर्मा प्रोफेसर श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, और जो हम लोग गवर्नमेंट स्टेटस की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें छात्र वर्ग के लिए, स्टाफ के लिए जो भी बेनिफिशियल पार्ट है वो बिल्कुल यदि स्टेटस नहीं रहता है तो वो नहीं मिलेगा। बाकी जो रूल्स की बात आती है, रूल्स में यूनिवर्सिटी जो भी रूल्स बनाने जा रही हैं, मान लो जैसे PhD से रिलेटेड रूल्स बनाए गए, उनमें भी हम तो सहमत नहीं हैं। वो इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि जो उनके बेनिफिशियल हित के उनके बेनिफिशियल पार्ट हैं उसको तो वो ले रहे हैं, और जो एक UGC नॉर्म्स हैं या जो आयुर्वेद की रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामनगर यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उनके रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, इसलिए हम इसमें सहमति हमारी बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर मनोज तंवर, प्रेसिडेंट श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन। जी क्या बताएंगे डॉक्टर साहब, आप जो आज आप सभी लोग इकट्ठे हुए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ आए हैं अपना गवर्नमेंट स्टेटस बरकरार रखने के, और इस कॉलेज का भी जो गवर्नमेंट स्टेटस है वो भी एज इट इज़ रहे, और हमारा भी गवर्नमेंट स्टेटस एज इट इज़ रहे, इसके लिए हम विधायक किसान भी यहाँ आए। अभी तो देखो यूनिवर्सिटी जो है बडिंग स्टेज में है, रिसर्च तो बहुत दूर की बात है, पहले तो यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिश होना ज़रूरी होता है। तो यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिश होने के नाम पे केवल 4 दीवारी हुई है और वो भी पूरी नहीं हुई है अभी, तो रिसर्च तो बहुत दूर की बात है। हरियाणा का एकमात्र राजकीय विश्वविद्यालय था जिसमें जो है आयुर्वेद की होती थी, तो आप बता सकते हैं कि अब रिसर्च की क्या है, इस समय क्या स्थिति है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, रिसर्च तब होती है जब आपके पास रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो रिसर्च कहाँ से होगी? तो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी को उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। अब इस आयुर्वेदिक कॉलेज में जो है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से ये क्लेम कर सकें कि यहाँ पर रिसर्च हो रही है, रिसर्च हो रही है। हमें तो नहीं लगता, आप स्टूडेंट से पूछ लीजिए क्या रिसर्च हो रही है। तो रिसर्च तो प्रॉपर एनवायरनमेंट में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होती है, जो कि आज की डेट में यहाँ पर नहीं है। हरियाणा का ये एकमात्र आयुर्वेदिक कॉलेज है गवर्नमेंट का, बाकी कॉलेज प्राइवेट हैं। एकमात्र जो सरकार से चलता आ रहा है, 72 से चलता आ रहा है, उसका स्टेटस हम बरकरार रखना चाहते हैं कि ये सरकारी ही बना रहे। यूनिवर्सिटी अपना अलग डेवलप करे, जो PG का रिसर्च का वो काम कर सकती है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में क्या काम हुए हैं? जो पिछले 3 वर्षों से यूनिवर्सिटी अनाउंस हो गया है, क्या वाइस चांसलर ने कोई अभी तक ऐसा काम किया है? ऐसा 3 साल के अंदर जो अभी यूनिवर्सिटी का जो सरकार ने बनाया था, दर्जा दिया था कॉलेज से, उसके अंदर ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो कॉलेज नहीं कर सकता था। कॉलेज के अंदर ही हमारा UG कॉलेज चल रहा था, कॉलेज के अंदर ही PG स्टार्ट हुई, गवर्नमेंट की मेहनत से ही। और हमारे जो अपने माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके उससे हमारी PG आई है, और नए जो कोर्सेज के बारे में भी हमारे को जो सरकार ने पिछले 3 वर्षों में कितने बच्चों ने रिसर्च किया, क्या क्या रिसर्च हुआ, कुछ काम हुआ है? पिछले 3 साल में यूनिवर्सिटी बनने के बाद किसी का कोई रिसर्च वर्क ऐसा कोई एसडी स्टार्ट नहीं हुआ है, ना यहाँ पे जो PG क्लास स्टार्ट हुई है उनका रिसर्च वर्क या उनके ट्रायल के लिए। एक चीज़ हुई है कि जो पैसे जो फ्री में टेस्ट होते थे वो भी पैसे लग के जनता को मिलने शुरू हो गए, जिससे कि बच्चे जो टेस्ट करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, जो अपने पेशेंट के लिए ट्रायल के लिए करना चाहते हैं। पैसे लगने के बाद में तो वो अपना खर्चा चलाएंगे, कैसे कर पाएंगे, वो रिसर्च वर्क ही नहीं होगा। है आज की डेट में इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं है, ना टीचर्स के लिए है और ना ही स्टूडेंट्स के लिए। तो आप बताइए क्या रिसर्च होगी? और हम कह के प्रशासन को थक चुके हैं कि एटलीस्ट हमारे डिपार्टमेंट्स में आप इंटरनेट फैसिलिटी तो अवेलेबल करवाइए,
लेकिन वो फाइल जो है घूमती रहती हैं और 3 साल निकल गए। हमने ये यूनिवर्सिटी का प्रपोजल सरकार को इसलिए दिया था ताकि इस कॉलेज का अपग्रेडेशन हो लेकिन आज 3 साल हो गए, अपग्रेडेशन तो दूर की बात है, डाउनग्रेड हो गया है हमारा हॉस्पिटल और कॉलेज। एक छोटी सी चीज़ इंटरनेट जो आजकल बच्चे बच्चे के हाथ में है वो इस कॉलेज के प्रोफेसर्स के डिपार्टमेंट में नहीं है, पीजी स्कॉलर्स के पास नहीं है, पीएचडी स्कॉलर्स के पास नहीं है और आप क्लेम कर रहे हैं कि हम रिसर्च करवा रहे हैं। क्या बताओगे? आज मुझे मिलने के लिए जो हमारा बहुत पुराना श्री कृष्णा आयुष कॉलेज है उसके सभी टीचर्स सभी स्टूडेंट मिलने आए, उनकी एक डिमांड थी कि जो है हमारा कॉलेज है वो अलग रखा जाए गवर्नमेंट के नॉर्म्स में, यूनिवर्सिटी अलग रहे। तो इसके बीच में मैंने वाइस चांसलर से भी बातचीत की है, अब बैठ के एक मीटिंग करेंगे इसके अंदर किस प्रकार का डिसीजन। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।